हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम एक न्यूज़ को शेयर करेंगे जो कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ रही है, और ये न्यूज़ युवाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 लाख युवाओं को हर साल दिया जाएगा सैन्य प्रशिक्षण और मिलेगा निश्चित स्टाइफंड। तो इस न्यूज़ को पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, देश में अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना तैयार कर रही है। ये योजना मोदी गवर्नमेंट तैयार कर रही है, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी देश के लिए भी और देश के युवाओं के लिए भी। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, और एक ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसका मैं सारा आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें ये न्यूज़ आई है। आप यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश की जनसांख्यिकी का लाभ लेने के लिए, मतलब देश में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है और युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा लेने के लिए ये योजना बना रही है। सरकार देश की जनसांख्यिकी का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना या NYES स्कीम, ठीक है, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, NYES स्कीम के तहत कक्षा 10, कक्षा 12 या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को इसमें शामिल करेगी। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार एक निश्चित स्टाइपेंड भी देगी, और साथ ही डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस सेवाओं में करियर बनाने के लिए यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक योजना हो सकती है युवाओं के लिए। उसमें जो स्टूडेंट्स नौकरी ढूंढ रहे हैं और बेरोजगार हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा, और आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत सही रहेगा और आपके जॉब के लिए भी बहुत सही रहेगा, और निश्चित रूप से देश के लिए भी ये योजना जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। जानकारी के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री कार्यालय में इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। साथ ही कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ इसे NYES के तहत शुरू करने की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कैडेट कोर का ही विस्तार करने की बात पर अमल किया गया। खबर की माने तो इस योजना से PM के न्यू इंडिया 2022 विजन को पूरा करने में खासा मदद मिलेगी। ये PM का एक विजन है, न्यू इंडिया 2022, ठीक है, तो इसमें भी मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत योग, वोकेशनल, IT स्किल, आपदा प्रबंधन जैसी बातों को सिखाया जाएगा। यह प्रशिक्षण 1 साल का होगा। साथ ही इस योजना में ग्रामीण इलाकों में खास ध्यान रखा जाएगा। तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम रहेगी, और यहाँ पर ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, और निश्चित रूप से ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकती है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मोदी गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा ये एक प्रयास है, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारे युवाओं को मिलेगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।